कोरोना काल में बुजुर्ग पेंशनरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोषागार कार्यालय ने इस बार जीवित प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि बढ़ाकर 1 नवंबर से 24 दिसंबर तक कर दी है। साथ ही यह भी व्यवस्था की है कि पेंशनर अपने बैंक शाखा में भी जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं और जीवन प्रमाण पत्र की वेबसाइट पर भी अपलोड कर सकते हैं। सीतापुर कोषागार की वरिष्ठ कोषाधिकारी जानवी मोहन ने आई इंडिया को बताया कि यह व्यवस्था अपने बुजुर्ग पेंशनरों की सुरक्षा के लिए की गई है। जनपद में 17,000 से अधिक पेंशनर्स हैं। पेंशनरों को नवंबर में फॉर्म भरना पड़ता था, इस बार आपके द्वारा क्या गाइडलाइन है कोविड-19 के तहत और क्या कहा गया? इसमें मुख्यतः कोषागार सीतापुर से हम लोगों ने सबसे पहले तो पेंशनर जो यूनियन है उसके माध्यम से पेंशनरों से अपने ये अनुरोध किया था कि वो अक्टूबर में ही आके अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे दें। कुछ लाइफ सर्टिफिकेट्स अक्टूबर में प्राप्त भी हो गए हैं। हर साल हम लोग नवंबर में लेते थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने तिथि उस 22 दिसंबर तक कि अधिक से अधिक हम लोगों को लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाए और कम भीड़ लगे, अधिक दिन रहेंगे तो लोग कम संख्या में प्राप्त होंगे। दूसरी चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने पिछली बार भी किया था, इस बार भी जो अशक्त हैं दिव्यांग हैं उनके लिए अगर हमें एप्लीकेशन प्राप्त होगी तो हम घर जाके भी उनका सत्यापन करा देंगे। और जीवन प्रमाण की वेबसाइट पे लोग ऑनलाइन दे सकते हैं, बैंक के माध्यम से दे सकते हैं, जिस बैंक से उन्हें पेंशन प्राप्त हो रही वहाँ जाके लाइफ सर्टिफिकेट दे दें, या किसी आहरण वितरण अधिकारी जो कि ट्रेजरी से बिल लगा के ड्रॉ कर रहे हैं उनके भी अगर दस्तखत से हमें लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त होंगे तो हम उसे स्वीकार करेंगे। बस अप्रोच हमारी ये है कि कोविड-19 में हम अपने बुजुर्गों को अपने पेंशनरों को अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।